मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर जिले की ओसिया की तहसील के चेरई गांव में हुई एक घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया, जिसमें एक भतीजे ने अपने ही चाचा के परिवार को खत्म कर दिया। पूरी खबर आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। दरअसल घटना 19 जुलाई की है, जहां मृतक पूर्णाराम उसकी पत्नी भंवरी देवी घर के बाहर खाट पर सो रहे थे। इस दौरान मृतक का भतीजा कुल्हाड़ी लेकर आता है और चाचा और चाची को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वह घर में जाता है जहां वे अपनी सो रही भाभी, जिसका नाम धाकू था, और उसकी 6 साल की बेटी थी, दोनों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार देता है। फिर सभी को घर में लाकर आग से जला देता है। पुलिस जांच में सामने आया कि 6 साल की बच्ची को जिंदा ही आग के हवाले किया गया था। मृतक पूर्णाराम के 2 बेटे उस दौरान घर से बाहर ट्यूबवेल पर थे, यानी खेत पर, और आस पड़ोस वालों ने सुबह फोन कर उन्हें घर आने को कहा। जब दोनों ने घर आकर देखा तो परिवार के सभी लोग मर चुके थे। आपको बता दें कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे में ही मृतक के भतीजे को पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में हत्या करना कबूल कर दिया। इसके साथ ही पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि ये हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। बुधवार को घर के आंगन में सो रहे सभी लोगों की लाशें मिली। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह यादव और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए और जांच करने लगे। ग्रामीण SP धर्मेंद्र यादव ने बताया कि चेरई चौकी के अंतर्गत रामनगर गांव में झोंपड़ी में 4 जले शव होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद जांच में पुलिस ने आरोपी भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें सामने आया कि जमीनी विवाद और आपसी रंजिश के चलते उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि आरोपी की उम्र महज 19 साल है। जी हाँ, केवल 19 साल। उसने पहले चारों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की और बाद में सभी के शवों को आग में जला दिया। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।